कासगंज पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने शनिवार को ऐसे लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है, जो सड़कों पर लोहे का नुकीला पट्टा डालकर वाहनों में पिंचर कर सवारों को लूट का शिकार बनाते थे। फिलहाल एसपी ने चारों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के समक्ष खड़े ये शातिर लुटेरे प्रदीप कुमार निवासी मोहल्ला मिर्जा टोला थाना ससवान भूरा निवासी रसूलपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं के अलावा छोटे उर्फ सुरेंद्र मदन पाल उर्फ ओसपी निवासी नगला मोहन थाना सहावर के रहने वाले है, जो की रात में सड़कों पर नुकीले लोहे का पट्टा डालकर वाहनों में पिंचर कर सवारियों को तमंचे के बल पर लूटपाट करते थे। एसपी ने बताया कि उक्त लुटेरों ने 3 दिसंबर को चारड़ी रोड पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लूट का विरोध करने पर कैंटर में सवार व्यक्ति को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने चारों के कब्जे से 4 तमंचा, 1 पोनिया 10 जिंदा कारतूस के अलावा 1 लूट की बाइक भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि चारों अपराधी शातिर किस्म लुटेरे हैं, पूर्व में जेल जा चुके हैं। लूट की दूसरी योजना बनाने के लिए यहां आए थे, उससे पहले सहावर थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम के माध्यम से धर दबोचे गए हैं, जबकि लुटेरों के 2 साथी फरार हो गए, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। देखिए 18 दिसंबर को सहावर थाने में चाणी से खतौली रोड पे एक रोड होल्डअप का प्रयास किया गया था। वो गाड़ी को रोके थे, तोड़े थे शीशा उसका, एक कैंटर बाद पीछे से रोके थे और मार पिटाई भी किए थे, लेकिन सौभाग्य से कुछ लूट नहीं पाए थे। तब से हम लोग इनके पीछे लगे थे। ये कांटी वाला गैंग है, जो पट्टा वाला गैंग जिसे बोलते हैं, पट्टा फेंक देता है, कांटे निकले रहते हैं, गाड़ी पंचर होती है, लूट लेते हैं। इसमें ये भूरा और प्रदीप, ये 2 इसमें मुलजिम थे, कांटी और इसे 2 कट्टे और ये जो जिसको फेंक के लूटते हैं वो। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि 2 छोटे और मदनपाल, ये भी अलग हैं गैंग, इनका भी इसी तरह का है। संजोग से कल भी ये भी कल ही पकड़े गए हैं, तो 2 गैंग पकड़े गए हैं इसमें। और इन्होंने जनपद बदायूं रहने वाले बदायूं के हैं, बदायूं मैनपुरी अलीगढ़ एटा हर जगह घटनाएं किए हैं और अच्छे बदमाश हैं। इनकी तलाश करा रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स तलाश रहे हैं कि और कहां कहां इन्होंने घटनाएं किया है, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इन पर बड़ी कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है प्रशासन? बड़ी कार्रवाई जो इनका बनता है वही करेंगे, और अभी तो जिनका और भी पूरा गैंग पकड़ में आ जाएगा तो गैंगस्टर कराएंगे इनके खिलाफ, इससे जेल में रह सके काफी दिन।